सुना सोचता प्यास में ढेर सारे खिताब कर चुका इस तेरा सफर दे, मैं हूँ याद नहीं मैं केड़ा मौजू बयान कर चुका केड़ा नहीं किया, लेकिन कसम खा के आखदा झूठे तो खुदा दी लानत होंगी। मिंबर ते आया मौजू मिल गया, हूँ तुम सुना रहा जितनी देर सुन सो सुनासा। तो हुसैन तारफ कराए तोड़ा नमाज, पता लगे जमाने नो हुसैन के नमाज के अजे एडा करीम है ना रसूल दा पुत्र, नमाज भी तारफ कराया तो हुसैन नमाज दा गरज भी दिता, कुरान तारफ कराया। अच्छा कुरान इंज तारफ कराया जिमें कुरान किसी नबी का भी नहीं कराया, चाह के हुसैन कुरान का तारफ इंज कराया जिमें हुसैन के नाने भी नहीं कराया नौ के सनाते। हुसैन का तारफ कराना कुरान, कुरान का तारफ हुसैन का करवाना भी अजीब है, तो हुसैन का कुरान का तारफ कराना भी अजीब है। तो अल्लाह अजायबा का मालिक है, तो बस पता लगा कुरान भी अल्लाह के अजायबा चो अजायब है, हुसैन भी अल्लाह के अजायबा चो अजायब। आम मस्जिद नहीं, आम नमाजी नहीं, आम नमाज पढ़ाने वाला नहीं, आम पढ़ने वाला नहीं, आम नमाज अली जा नहीं, मस्जिद मस्जिद की सरदार पेश नमाज बनाना ला। मैं आखा पेश नमाज नबिया का, पेश नमाज नबिया का इमाम, नबिया का सैयद, नबिया का सरदार, और सिर्फ सरदार ही नहीं वो सरदार जिंदे सदके खुदा नबिया सरदारियां बंड दे। तो उन्हें क्या होया जी? अच्छा मस्जिद भी आम नहीं, नमाज पढ़ाने वाला भी आम नहीं, पढ़ने वाले भी आम नहीं, अमार यासर जे बंदे अबू जर मिकदाद सुलमान ऐसे ऐसे बंदे ऐसे हैं। अच्छा गल सुनो ना, यह हवेली खूबसूरत हो ढेर सारी चीज़ा खूबसूरत हो बीच थले कोई गंदगी मंदगी भी पी हो तो समा पी गुलाब के फुल दतूरे का भी ला छोड़ो वो भी ठट पानी में मस्जिद नबी चो खूबसूरती चमक रही है, गंदगी छुपी हुई है, खुशबू महक रही है, बदबू थपी पई है। लाकर जी तो मैं आखा नमाज हो रही है, वारसाने नमाज चल पिया, वारस तौहीद ते घरो वारस नमाज निकलिया, जहरा दे घरों जहरा दा नाज निकलिया, तहारत दे घरो तहारत नू बचाने वाला निकलिया, नबी दे चैन दे घरों नबी दे चैन दा चैन निकलिया। मैं आखा बिनते रसूल दे घरों इबने अली निकलिया, खरामा खरामा चलदे आन अल्लाह दी जमीन नू शरफे बुलंदी बख्श दे आंदे,
हुसैन दे कदम सखावत बनते आते हैं जिथे लगते जमीन शायर बन रही है। हुसैन ने आख्या सी नमाज तू इबादत है ना, अज तेन शायर बनावा। नमाज आख्या सी जरे नसी मेरे भाग हुसैन जगह मना गए। हुसैन कई मैनू खुदा की इबादत समझ के पढ़सन ते कई तेरी खिडाण वाली समझ। हुसैन ओ बुलंदी है जिसनू खिडाण वास्ते रसालत ते नमाज की जरूरत है। हुसैन जमाने दिया हुकूमतां नाल दिल नहीं मिलांदे। हुसैन दी हुकूमत अल्लाह दी हुकूमत ही। ते हुसैन दिल बुलाना वे या रसालत चाहिदी है या नमाज। हुसैन ने चाहिया थोड़ा जहा दिल नू बुला लवा दाखल हो मस्जिद नबी च अपने नाने दिया साहबियां कोलो गुजरते हुए हुसैन दे वजूद अकदस दी हवा पौंदी होसी। जेड़े लायक बख्शिश होसन उन्हां दी बख्शिश हो रही होसी। जेड़े लायक जहन्नम होसन उन्हां दे अजाब च इजाफा हो रहा होवेगा। हुसैन कईयां नू जलांदा कईयां नू ठरांदा कईयां नू राहत देंदा कईयां नू बदबख्ती देंदा। गुजरदा गुजरदा अपने नाने कोल आ गए। हुसैन अपनी मंजिल अबूर करके अपनी मंजिल मकसूद ते पहुंचे। कमरे ए मोहम्मद सैन जी तंग तो नहीं कर रहा। तो मैं आख्या हुसैन अर्श ते बह के मेराज करन लग पे। तो अजीब अजीब मुसल्ला है हुसैन दा एवज या मुसल्ला नबियां भी नहीं मिलिया। ओ हुसैन दा मुसल्ला अल्लाह दे हबीब दी पुश्ते। तो बद हुसैन दस रहे हुसैन ओ जमाने वाले हो मेरी इतनी अजीम पुश्ते जड़ी मुसल्ला है इबादत है। हुसैन बैठे नान दी पुश्ते रसूल नू पता नहीं। रसूल जानते हैं हुसैन दे आन तो पहले भी जानते हैं। रसूल खुदा ने इरादा फरमाया हुसैन प्यारा तू ही बड़ा है लेकिन मैं खुदा ते तैनू कुर्बान करांदा तेरे ते खुदा दी तेरी मोहब्बत ते खुदा दी इबादत नहीं। मैं उठांदा तू जख्मी हुंदा हो जा। तकलीफ होंगी है तेन हो जाए मैं खड़ा होवांदा। उदे अल्लाह ने जबरील नू हुक्म दिता जल्दी जा मेरे नबी नू आख नमाज भी दी ए भी नमाज दा। ते जे इस नमाज नू तकलीफ नहीं होण देनी ते नमाज इस नू किवें होण दे। परेशान तो नहीं हो गए मेरी समझ आ रही। बस मैं थोड़ी जी देर तुहानू होर जहमत देंदा। तो मेरे दोस्तों हुसैन नमाज थे सलवात पढ़ो जिन्होंने भूख लगी है ना वो एक बारी जिन्हें जिन्हें उठना उठ जाओ। अजे लंगर का टाइम कोई नहीं होया ममनी लंगर में से अभी तक सवा घंटा बाकी है। मौला दे जागरण भूख भी बड़ी लगती ते धुप भी बड़ी लगती ते गर्मी भी बड़ी लगती ते माल दी भी बड़ी जरूरत।
ऐसा चैलेंज बस मैं तुहानू ज्यादा तकलीफ ना दिया, तकलीफ तो जिहड़ी होनी वो होनी है। बस मेरे दोस्तो अजे इतना टाइम को नहीं होया, मैं इतना लंबा नहीं होया, अजे थोड़ा जि टाइम होया। तो खैर मैं बार बार फोन देख रहा, तो हकीकत है ये हुसैन करीम है जिदे वास्ते टाइम की लिमिट कोई नहीं, नहीं तो मैं टाइम घर दिन भी कभी नहीं लिता। बड़ा नफीस जहा हुसैन का नौकर है, घर बहना ना तो सोना चादर करके सहर आना। ये हाथ हुसैन की मुशक्कत कर दे, जबान या हुसैन की अजमत बयान कर दी है, ये हाथ कलम नाल हुसैन की अजमत लिख दे। ये हुसैन वास्ते बोल रहे हो वहां ता भी टाइम का एहसास को नहीं होंदा, ते जे लिख रहे हो वहां ते अजीब नहीं बंदा प्राइमरी पास होवे लिखे 8-9 किताबां। तो मेरे दोस्तों मजा बड़ा आ रहा, लेकिन इस गल च रहे ना तो अगले मकसद ते ना आवांगा। मासूम का मकाम नजर आया कि मासूम नमाज नू इजाजत न दे, नमाज अपने मुस्तहबात क्रॉस करके अगे चली जाती। हाँ गैर मासूम अगर नमाज नू हदे मुस्तहिब तो अगे ले जाए तो नमाज बातल, तो मासूम 770 ते ले जाए नमाज कामल। एक मासूम बुलारन ओ फलां ओ फलां फलां बड़ा हरामी है, उस अगे हजूर आज तो मैं ना फरमानी करा दा मेरे को जवाज है, मैं हाँ नमाज च मजा मैनु आ रहा, तुसी बुला रहे हो मैं बोल नहीं रहा। अल्लाह आखिया तेरे मजे में कट लेना एक बारी इधो कैद च उठ। और जिसनु पाक मोहम्मद की मार्फत नहीं नमाज उदे वास्ते सजा है इबादत नहीं। नमाज उदे वास्ते इबादत है जिदी जिसनु मार्फत है खुदा ओ तौहीद रसालत ओ इमामत है। लंगर तो छोड़ आयो तो काम क्या होया कि वो बंदा नमाज तो फारग होया, उस दूर तो सब बुलाते रहे हो ना मैं नमाज सरकार फरमाते ते नमाज दिती कै मकामे मासूम मकामे मासूम मासूम नमाज ते बैठे नमाज नू हरज कोई नहीं। उन्हें आखिया जी तुसा अल्लाह आयत भेज दी ओ ईमान आले हो ईमान आले हो, जिन्हें को ईमान नहीं उन्हें नहीं ईमान आले हो ईमान आले हो, जिस हालत च भी होगा मेरा नबी आवाज दे भावी नमाज पढ़ रहे हो भावी रोटी खा रहे हो, हत्ता के रोटी खाने आजान होवे ना तो अल्लाह इजाजत देंदा तू रोटी खांदा रहो। तू अगे जवाब ना दे कलमा बात पढ़ ले, कई बार बात रोटी खाने साकत होंगे नहीं जी। मसलन मेहमान नू उठना मिलना ये भी बस बात ही है ना खलूसी थे। तो रोटी खाने साकत नहीं कि तुसी रोटी खाने उठो नहीं, लेकिन दोस्तों हुण क्या होया पता लगा अगर वो फलां आ जांदा ना हजूर ने जिस वक्त बुलाए आ
वो आंदा हजूर दी गल शुरू सुनदा ते वापस जाके उठो ही शुरू कर लंदा नबी दी इज्जत दी कसमे नमाज बचनी नहीं नमाज होर उसने नमाज दा कोई नहीं उस आख्या जवाज है नबी बुलांदा पिया मैं आज बोलना नहीं जना तू चंगा तू नहीं बोल अच्छा मासूम मस्जिद बन गई ते बाबिया भी हवा कर रखे रोशनदानिया कई शैतानिया वास्ते रखी रोशनदानिया कई हवा वास्ते कई जासूसी वास्ते अल्लाह ने फरमाया मेरा हबीब ए राजा जो राज है मेरी मस्जिद ते किसे वक्त पाक होंदे ने किसे वक्त होंदे ने पलीत किसे वक्त मेरी मस्जिद च आउण दे लायक होंदे ने ते किसे वक्त नहीं इन्हां नाल आके खुड्डा बंद करो ओ सॉरी सॉरी मैं और सोच रहा दरवाजे ओ भाई दरवाजा तो होंदा जिथों किसे ने कुछ मिले खुदा दी इज्जत दी कसम दरवाजा होए जेड़ा आंसू नू इतना कीमती कर छोड़े मच्छर दे पर जितना जन्नत ते महल दी कीमत बने दरवाजे हो गए बंद ओ खुडियां बंद हो गए नबी ते नबी जैसे दे दरवाजे खुले रहे क्यों नबी भी मासूम आए ओ भी मासूम आए बस पता लगा मासूम एडा पाक होंदे ही मस्जिद जिस वक्त जाए एक ही हालत होंदी बदलती नहीं नाल हालत दी तस्दीक वास्ते अल्लाह आयत भेजी इन्ना मा युरीदुल्लाह अल्लाह युज़ेबा अनकुम रईसा अहल बैते वो तेरा कुम ततहीरा ए अहल बैते रसूल मैं तोड़ी पाकीदगी दा आप राखा इंजी आखा मैं पहले भी तुन पाक दरम्यान विच भी आखर विच भी पाक क्यों ना पाक रखा जे तुहानू पाक ना रखा मेरी पाकीजगी किवें साबत होवे एक बीबी एक मासूम नू हथां चा के लै मासूम दा हुक्म है लै आओ ले आई मासूम ने मासूम दे लब च में अपनी जबान उनके मुंह च दाखिल की बीबी ने हजूर 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 बच्चे ने गुसल को नहीं हजूर फरमाया जा दी मां नू वेख्या जदा आई मां नमाज भी पढ़ती है सरकार फरमाया तू इन्हां नू गुसल दसे जिन्हां नू अल्लाह ने अपनी तहारत बना के मासूम दा मकाम नजर आया हुन कुरान कोलो पुछिए सलवात पढ़ो ना अल्लाह तो एक नुक्ते तो बंदा मेरा मुझे मुजरम हो बंदा मसलन मसलन तुस दरूद ही पाक ले लो दरूद है अल्लाहुम्मा सल्ले अला बाज़ औक़ात मुँह चो निकल बंदा सुल्ले सल्ले आखो तो बख्शिश है तुहाडी जे सुल्ले आखसो तो अपने वास्ते इसे तेरा नियत है ये अदा वाजब या कुर्बत यानी वाजब या सुन्नत अदा वाजब सुन्नत या सिर्फ वाजब अदा कुर्बतन इलल्ला मसलन त्रै किस्म है ना सुन्नत
वाजिब या सिर्फ कुर्बत। सवाब की सिर्फ नीयत है। हूँ कई लोग नीयत जादन इल्ला तो वह पता नहीं क्या पा दिन ये जरा मैं अमल पे करदा अल्लाह तो बगैर करदा पे इल्ला इल्ला नहीं इल्ला इल्ला तक मैंने अल्लाह के लिए अदा कुर्बतन इल्ला अदा वाजिब कुर्बतन इल्ला इल्ला नहीं इल्ला है कलमे इल्ला आख सोना सोना ला इलाहा इल्ला माज़ल्ला आख सो अल्लाह अल्लाह वास्ते इल्ला कलमे इल्ला इल्ला है तो नियत इल्ला। अच्छा खैर मसलन अंजे मैंने जहन आया मैं कि थोड़ा दो मेरे दोस्तों बस मेरे आखिरी जुमले मासूम घोड़े ते सवार है लश्कर नाल है चार हैं चूंटियां दी वादी है नंबल दी वादी है ते सूरे नंबल है सुरे नंबल च वाकया मौजूद है कि चूंटी ने आवाज दी ये नहीं भाई उतो सौन के डब्बे को या उतो गेट को नहीं चूंटियां बचाने तो बात कई मीलों तो दूरों आवाज दी कम अज कम एक किलोमीटर या तीन किलोमीटर रवायती मील या तीन मील ठीक है जी। अफसोस चूटी त्रै किलोमीटर तो दूर तो इलमे गैब जान दिए मुसलमान दे नजदीक अल्लाह दी हुज्जत जान दे को कुरान किदे तेन वेण नहीं दिंदा मुरली जिदे जा लागर जी तो हूँ के काम है उसका क्या खबरदार ए अपनी अपनी बेलों बढ़ जाओ नबी तो लश्कर आ रहे। अच्छा मौलवी अदा नबी इलमू गैब नहीं जानते वो चूटी दी इतने दूर तो आवाज़ सुनी मौलवी साहब जे तुस सैयद उल अमजाद जे हो तो कल नाल ला के दसो तुहाड़ी मामी के भी आती है कोई बड़ा वड्डा ताकतूर मैक ला ले दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जिस चूटी की आवाज कैच नहीं कर सकती नबी ने दूर तो दी आवाज सुनी नाल नबी ने किसे जिन या मलाइक नू नहीं आख्या अपने जैसे नू आख्या क्यों नबी जानदा ही जो मैं जानदा ना मलाइक जानदे ना जिन जानदे जानदे तो ओही जानदा जड़ा मेरे जैसा है। ओ आसिफ जी आका गुलाम हाजिर जाओ जाके उस मुजरमा नु पकड़ के ले आओ जड़ी गुस्ताखी कर रही है। आसिफ चले गए आसिफ कौन है या भांजा या भतीजा से इस दामाद नाल वसी भी है पता लगा कर सलमान आप भी सकदा ही तख्त मंगवाणो होस ते आसिफ कोलो आसिफ मंगवा मुजरम न पौने आसिफ नप के लिया बस इंजी सरकार तो आलम आदे नायरी वन मुर्दे जंदा करके ना विखा वन फला बैदा पूरा क्यों सुलमान दासरन पता लगे आसिफ कितना अजीम है सरकार दो आलम दासरन पता लगे अली कित चूंटी है हाथ है चूंटी है हाथ है सरकार ने फरमाया तेनू नहीं पता मैं बड़िया ढेर सारिया गल्ला छोड़ दी तेनू नहीं पता मैं मासूम हाँ
हाँ तुसा मासूम हो, तेन नहीं पता मैं नबी हाँ, हाँ तुसी नबी हो। सरकार फरमाया वत पता है ना तेनू, तेनू पैरां थले रौंदना गुनाह है, मैं गुनाह कर नहीं सकता। उस आगे जनाब मैं तुहाडी गल नहीं कीती, जिहड़े लबड़ कट्टे नाल लाए ने ना, जिहड़े चावल मुकवैन ते खोते भी कोल रखदे ने, मैं उन्हां दी गल कीती है, मैं तुहाडी गल नहीं कीती। अच्छा सरकार फरमाया ठीक है, तो मैं चूंटी नूं आख्या, मैं कि भैन चूंटी है, बस आख्या हाँ जी भाई, मेरा भी रूह तो मौजूद होना ना। मैं आख्या के ख्याल है, तू थड़ुक नहीं गई? उस आख्या किवें? और मैं आख्या घोड़ा नबी है? उस आख्या नहीं मासूम है। उस आख्या नहीं, मैं आख्या तू आखा तुसा नबी हो मासूम हो, घोड़ा तो नहीं। मैं घोड़े की गल की, चूंटी छिणक के आख सी खबरदार जाहिल ना बन, मासूम ओ ही होंदा जदा सवारी ते सवार होवे, उदा सवारी को भी गुनाह नहीं आंदा। और कुरान प्यादा नबी दी सवारी को गुनाह नहीं आंदा। तू नबी नू चाची वाले नाल रेसा लवें, मासूम का पता लगा? मासूम। अच्छा तुहाडे च शाम कितने बंदे गए? कोई है जिहड़ा शाम गया हो? शाम गया कोई? मालिक ले जा, पाक सीधे ले जा। सुन दे तो हो सुनो के इस जगह ते सैयद निर्वाद दिन तेरे इत्थे सारे इत्थे फला मकाम फला मकाम फला मकाम। किसे कोल पुछया करो रफे हाजत वास्ते ते वुजू वास्ते किथे बैंदे हन? कुरान च दिया दलील, सुलमान बुलांदे या ए बुलांदे? सुलमान फरमा रहे कुरान पढ़ता पिया, कुरान कुरान, मैं जितनियां गल्लां कीतियां मेरियां गल्लां दा या तलक हदीस नाले या कुरान नाले, कुरान पिया पढ़दा, कुरान पिया ते सुलमान फरमा रहे ओ जिन्नो खबरदार तुसा कम करो, मैं इस उच्चे जगह ते इबादत वास्ते जा रहा, जदा तक मैं बुलावा नहीं ना आना है ना। सुलमान ओले आन या सामने आन? आसा ते खड़े। अच्छा गल सुनो, मैं रुपये देना 10 लाख इनाम, कोई मरण आला मरण लग्या आसा ते खड़ा होके मरे, रवे आसा ती ना इधे झुके ना इधे झुके, उसन बन भी छोड़ो ना, उस जरूर ढिलक इंज हो ना या एंज या एंज किदे ही तो बैठे ही है, चार पास हैं जी, चार पास एक साइड जरूर किदे ही बैठनास, या इबादत च बैठनास या मुनाफकत च बैठना, त्रै मुनाफकत आ ने एक इबादत, त्रै पास है एंज जाए एंज जाए एंज जाए भाई, एंज ना इतनी इबादत होंगी है ना इतने होंगी ना एंज होंगी इबादत। तो हुन चार सिमतन ना, त्रै बातलन एक इबादत है, जिस सिमत मर्जी जाए मैयत है, आसादी टेक ते खड़ा करो हो जाए। दसो नबी इंज खड़े जिनैत नु शक कोई नहीं, मुतमिन हो के काम पे कर देन, अन मेरे मलंगा आ रही, क्यों आखरी जुमले नु नंदे आदेन, काश सानू पता होंदा नबी फौत हो गया, असी जाना क्यों तोड़ते रहे असी नस वेंदे, मेरे मलंग भी आदेन शाह और इंशाल्लाह कि कम जान। मैं हरम पाक जावा ना,
तो मैं मलंगा नू लाना, मैं मौला की कसम है मैं अपने हाथों नाल इमाम बरगाह दे पौद्या की गोडी करदा कटाई करदा अपने हाथ नाल लाना। और मैंने कसम है हुसैन बादशाह की मैं बनावट नहीं कर रहा तो ना मैं कोई शोमिट कर रहा, मैं अपने हाथ नाल लंगर खाने दियाँ लैटरीना भी साफ कर छोड़दा। मेरी औकात क्या है? हुसैन का मिरासी हाँ, मैं हुसैन के मेहमाना की लैटरीना साफ करा तो मैं हुसैन तौफीक दे, मेरे वास्ते फखर है, मैं इस लायक ही नहीं। तो चौधरी जो सैयद नहीं लायक तो बस चौधरी ही सोचा करो। बस मेरा आखिरी गल, मैं जुमला नहीं आख्या, गल गल च कई जुमले होंगे। तो खैर सुलेमान ने फरमाया खबरदार जिन्हें तेन शक कोई नहीं, क्यों नहीं वह हो यार? एक रवायत 10 साल, 1 साल, चलो 10 साल वाली छोड़ो 1 साल, क्यों नहीं शक होया? नबी रोटी नहीं मंगी, नबी लैटरीन नहीं गया। और जिन्हां दे नौकर ते जनैत नूं शक ना आवे उहदे मालकां ते तू ना कर। अच्छा गल सुनो दिलदार, तू किस सन च पैदा होयो तुसी? जवेद तुसी किस सन च पैदा होयो जी? 52 48 तेरी अम्मा तेरा ना के रखे 52 च पैदा होयो ना, 52 च 48 च तेरी अम्मा तेन के सदी आई तेरा पता ने? मैनू समझ नहीं आती, घर अब्दुल्ला दे जमदा पे है ना मुहम्मद आदम नू पता है। जितना तेरा अकल है इतना रख, अजे दुनिया ते आया नहीं, मां नू नबियां दे किस्से सुनांदा पे। काबा च आना, नमाज ते बना, कुरान ते बना, बंदे हालत नमाज च बुलाना तो ना बोलना तो अल्लाह का रेंज होना, ये सारिया गल्लां पे दसदियां ने मासूम तेरे जिहा नहीं होंदा। अच्छा चलो काबे जम नहीं जमे तो दूजे दिड़े मान काबे च गल तवाफ कर आवे, दोस्तों ना मैं समझा सकता ना तुसी समझ सकते हो, इतना ही आखां दा इतना समझो। ओ मालिक ए मलियत ए ओ खालिक ए खिलकत ए ओ हाकम ए ए महकूमन ओ कादर ए उहदे मोहताजन। लेकिन इंज गल मैं बोल रहा ना, मैं बोल रहा नहीं, मेरी जबान बोल रही, हुण दसो इन्हां चों सच किहड़ा? मैं बोल रहा मैं नहीं, मेरी जबान बोल रही, दसो इन्हां च कौन बोल रहा? नहीं नहीं अल्लाह नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा, अल्लाह मैनू इख्तियार दिता, मेरा बोलना अल्लाह का बोलना नहीं, मुहम्मद का बोलना अल्लाह का बोलना, मेरी जबान का बोलना मेरा बोलना है। अच्छा ए गिलास मैं चाया नहीं, मेरे हाथ च आया। अच्छा दसो दुआ चो केड़ी गल सच्ची झूठी केड़ी? इंजे मर के ओ सोची सोच सोच के ते कुफर दे खतबे फतवे दे दे के जे अल्लाह तो बगैर कोई दूजी ताकत है तो बात अली मुर्दा जिंदा करे तो बात अली ने की थी। ते जे ताकत अल्लाह ही है तो बात मन ना अली दा जिंदा करना तो अल्लाह दे ही जिंदा करना। बात इतराज क्यों करता?
हाथ मैं नहीं आखिया अल्लाह आखी, जबान मैं नहीं आखिया अल्लाह आखी, चेहरा मैं नहीं आखिया अल्लाह आखे, उजन मैं नहीं आखिया अल्लाह आखे, हूँ जे अल्लाह आखिया ना मेरे कानन ते कान मदद नहीं करते, ते कान सुन नहीं तो मदद होती नहीं है। हाथ सखी नहीं होता, हाथ ना उठी तो सखावत नहीं आती, दिल हाकम नहीं होता। खुदा की इज्जत की कसम है, दिल महकूम होके कोई एडा अजीब है ना, हाकम नहीं लेकिन ये चाहे नहीं तो हाकम कुछ करते ही नहीं। रूह हाकम है ना दिल का, मेरा दिल जाकर नू पसंद ना करे, रूह कर लेगा आखरून करे। जे मेरा दिल किसी ने दुश्मन रखे, रूह दोस्त नहीं बना सकता। रूह दिल दोस्त बनाए, रूह दुश्मन नहीं बना सकता। ए नी नफ्स इलाहिया, अल्लाह की इज्जत की कसम है, जिसन ए चाहनी अल्लाह उसन चाहती, जिसन ए दुश्मन समझनी वो हु करके चाचक डराण तो बगैर कुछ नहीं लभना उसन। ऐत पढ़ छोड़ा, अल्लाह तो मुहब्बत भी कबूल नहीं कर रहा। सूरह आले इमरान आखिरी आयत, बस तड़ी जान छोड़ा, अल्लाह फरमा रहे आयत नंबर 31, ऐ पैगंबर उनसे कह दो जो अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हैं, मेरी पैरवी करो के होवेगा, तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे, वो तुम्हारे गुनाहों से दर गुजर फरमाएगा। ओए मोहम्मद की पैरवी ना करें ते अल्लाह तेरी मोहब्बत कबूल नहीं करता। ते बात मेरे भाई, शिया सुनी कुतब गवाही, रसूल खुदा बगैर बुलाए दे 70 तो ज्यादा बार, या इली या इली या इली या इली या इली या इली दा विरद करते हैं, हजूर ना इक लेंदे हैं, मजे दो इबादतां दो, पिरा भी अली मालक भी अली, अली अली दा विरद करके पिरा दे नां दा भी विरद करदे न खुदा दे न। तो दोस्तो पैरवी रसूल है ना, मत अली अली करना, तू नारा मारदा है तो पैरवी रसूल करना। तो जेड़ा बंदा प्यादा ताड़ी मारो फिकरा अच्छा लग जाए, तो मेरे भाई कि खुसरे तो पड़े हाथ नहीं तू। नारा मारिया तो पैरवी रसूल हुई, ताड़ी मारिया कि पैरवी हुई, खुसरियां दी पैरवी तू कर, रसूल दी पैरवी ऐसी कर दे। दोस्तों करबला अल्लाह दे अजब अजब, कितें नाने दी शक्ल आंदी छवि आंदी इजाजत मौत ते, कितें जनाबे हसन बिरा दी छवि आंदी इजाजत है मौत दे, कितें प्यो दी छवि आंदी अब्बास मौला इजाजत है मौत दे, कितें नाने दी छवि नू सेरियां दी जगह ते मौत दी पग बनांदा, मैं कुर्बान जावां एक नू नहीं दून बनाई, एक नू मौत दी बनाई, एक नू इमामत दी बनाई, जिस नू मौत दी बनाई उस नू बड़ी कम कम तर लगी, ते जिस नू इमामत दी बनाई एडी भारी लगी, नाल बाकर नू साह कढ़ाण वास्ते, जिसनू मौत ही बनाई से उसनू हल्की लगी है, खून दोवां दे जारी हो, जख्मी दोवें ढेर सारे, एक एक जख्म दे खून दी गल करां दा, एक दा जिगर जख्मी होया ता अखां चो होया खून जारी,
ਕਿਤੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਇਹ ਸਾਂਗ, ਜਿਗਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਾ ਸੀਨੇ 'ਚ ਖੂਨ ਜਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੁਰਬਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਖੂਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਰਬਲਾ 'ਚ ਰੁਨਾ ਖੂਨ, ਕੂਫਾ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਰੁਨੇ ਖੂਨ, ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਰੁਨੇ ਖੂਨ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸਤਮਾਚੇ ਤੇ ਰੁਨਾ ਖੂਨ, ਜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਕਤਲਾ ਤਜ਼ੀਆਨੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਰੁਨੇ ਖੂਨ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਮਜਮੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਰੁਨੇ ਖੂਨ, ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਛੱਤੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੁਨੇ ਖੂਨ। ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਰੁਨਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, 40 ਸਾਲ ਰੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰਹੇ ਖੂਨ। ਟੁਰ ਗਏ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੌਣ, ਬਾਕਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਕਰ ਨੇ ਕਫਨ ਪਵਾਏ ਸਫੈਦ, ਬਾਕਰ ਨੇ ਲਾਏ ਕਬਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਅਬੂ ਤੁਰਾਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ, ਤੁਰਾਬ 'ਚ ਦੇ ਕੀਤਾ ਸਪੁਰਦ, ਵੇਖਿਆ ਸਲਾਹਤ 'ਚੋਂ ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਨੌਕੇ ਸਨਾ 'ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਬਾਕਰੇ ਅਲੂਮ ਨੇ ਸਵਾਲ, ਬਾਕਰ ਮਰਮੰਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦ ਚ ਕਰ। ਕਬਰ 'ਚ ਰੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂ, ਛੱਤੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਚਾਦਰਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਅਲਾਲਾ।